न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने एक अनाउंसमेंट की आ बड़ी दिलचस्प तो बड़ी खुशी वाली अनाउंसमेंट आने यहा कि असी न्यूयॉर्क फुली रीओपन कर देंगे 1 जुलाई तक पूरी तरह खोल देंगे जिहड़ा 1 साल तो ज़्यादा समा हो गया करोना वायरस करके इतने रिस्ट्रिक्शन लगियां 40% तो ज़्यादा न्यूयॉर्क के रहने वाले लोगों को 1 तो ज़्यादा वैक् 1 जी घट्टो घट्ट 1 वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। न्यूयॉर्क के हाहाकार मची सी उत्थे लाशों के लिए जगह नहीं सी मिल रही बुरा हाल से और तुसी सारे जानते हो कि किस तरह उत्थे बाहर टेंट ला के हॉस्पिटल के लोगों को सांभण की गलबात की जा रही थी। सो जे अज अमेरिका ने इहदे उत्ते काबू पा लिया अमेरिका दे विच सारा कुछ ठीक ठाक होण लग पिया न्यूयॉर्क दे विच ठीक ठाक होण लग पिया तो असीं आस करदे हां कि इही कुछ कैनेडा दे विच भी होणा। कैनेडा दे विच सानूं लगदा कि वैक्सीन मिल नहीं रही लाइनां लग रही हज़ार हज़ार बंदा खड़ा 200-200 वैक्सीन के पिछे अमरीका दे विच बिल्कुल तेजी दे नाल लग रही है। कल राती अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपनी पहली स्पीच दित्ती है 100 दिन बाद। राष्ट्रपति जो बाइडन को एक मौका सी इस वेले जिथे वह दस सकते कि जिहड़े लोग वैक्सीन तो हैजीटेट कर रहे हैं उन्होंने एक मैसेज दिता जा सकता सी। वैक्सीन बारे उन्होंने कहा कि असी बहुत वड्डी जंग लड़ रहे हैं और जंग जित ली है वैक्सीन साड़ी अमेरिका के इतिहास में बहुत वड्डी यह अज की इनवेंशन सी जिहड़ी वैक्सीन के नाल इन्नी छेती बना के इन्होंने लड़ाई की है। दोस्तों अगली खबर कोविड नाल संबंधित आ ये अमेरिका तो आ रही है न्यूयॉर्क तो। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने एक अनाउंसमेंट की आ बड़ी दिलचस्प तो बड़ी खुशी वाली अनाउंसमेंट आने ये कहा कि असी न्यूयॉर्क फुली रीओपन कर देंगे 1 जुलाई तक पूरी तरह खोल देंगे जिहड़ा 1 साल तो ज़्यादा समा हो गया करोना वायरस करके इतने रिस्ट्रिक्शन लगियां हूँ वह कहें असी सारा कुछ जिहड़ा ये खोलन लगे हैं 1 जुलाई में जिन्हें उत्थे दे बार आ रेस्टोरेंट आ थिएटर आ म्यूजियम आ जिम आ जिहड़े हुण लोग कैपेसिटी दे विच खोल लिया उन्होंने बहुत सारिया रिस्ट्रिक्शन आ वो सारिया रिस्ट्रिक्शन उन्होंने चक देनी है। ये बहुत चंगी खबर आ क्योंकि वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी नाल चल रहा वो कहते साडे कोल बहुत सारे कारण आ आशावादी होण दे ऑप्टिमिस्टिक होण दे कि साडा ये देश का अमेरिका का सब तो वड्डा शहर न्यूयॉर्क आ आबादी के हिसाब नाल यह हुण हौली हौली नॉर्मल लैवल के उत्ते ओपरेट करना शुरू कर दूगा 6.3 मिलियन जिहड़ियां डोजेज़ जिहड़ियां वो इत्थे आउणियां 8.3 मिलियन उत्थे दी पापूलेशन आ ते जे 6.3 नूं लग जांदियां तो सारा कुछ ठीक ठाक हो जांदा। 45% तो ज़्यादा न्यूयॉर्क दे विच रहण वाले लोगों को 1 तो ज़्यादा वैक् 1 जी घट्टो घट्ट 1 वैक्सीन की डोज़ मिल चुकी है तो 1 वैक्सीन की डोज़ के नाल ही बहुत सारी जिहड़ी इम्यूनिटी आ वह बन जाती है तो 1 जुलाई तक इन्होंने जिहड़ी दूजी डोज़ भी आ वह दे देनी है तो बाकी लोगों को भी जी 70% के करीब लोगों को कहिंदे वी असीं 30 जून तक प्लैन किया है भी ये सारा कुछ वैक्सीन ला देनी है तो उहदे तो बाद सारा यह प्लैन जिहड़ा आ सारा कुछ जिहड़ा खोल देना। ये गल कल्ले न्यूयॉर्क की नहीं है ये न्यूयॉर्क की गल असीं क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ दुनिया के बाकी हिस्सों के होया उस तरह ही एक स्टैप करके सारा कुछ वापर रहा। किसी वेले अमेरिका सब तो ज़्यादा प्रभावित सी कोविड के करके तो अमेरिका के सब तो वड्डा हॉटस्पॉट न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क के हाहाकार मची सी उत्थे लाशों के लिए जगह नहीं सी मिल रही बुरा हाल से और तुसी सारे जानते हो कि किस तरह उत्थे बाहर टेंट ला के हॉस्पिटल के लोगों को सांभण की गलबात की जा रही थी। अज इदां दा हॉटस्पॉट इंडिया के बनया है दुनिया के वख-वख कदे ये इटली दे विच सीगा। सो जे अज अमेरिका ने इहदे उत्ते काबू पा लिया अमेरिका दे विच सारा कुछ ठीक ठाक होण लग पिया न्यूयॉर्क दे विच ठीक ठाक होण लग पिया तो असीं आस करदे हां कि इही कुछ कैनेडा दे विच भी होणा इही कुछ दुनिया के बाकी देशों दे विच भी होणा। इह वक्खरी गल आ कि कितें नुकसान बहुत हुंदा कितें नुकसान किसी देश का घट होया इजराइल दे विच नुकसान उन्ना ज़्यादा नहीं होया जिनी उन्होंने तेजी दे नाल वैक्सीनेशन की है। सो ये गल कि जे अज न्यूयॉर्क दे विच सारा कुछ ठीक ठाक हो रहा है तो वो डेट अनाउंस कर रहा है कि 1 जुलाई में असीं ठीक ठाक कर देना। वैसे ये लगती है कि यह भी खबर हैगी है कि पूरे का पूरा अमेरिका ही 4 जुलाई में जिहड़ा कि अमरीका का बहुत इतिहासिक दिन आ उस दिन इन्होंने खोल देना बहुत कुछ जिहड़ा ओपन कर देना वैक्सीनेशन का काम बड़ी तेजी नाल चल रहा उत्थे तो जिदा जिदा वो वैक्सीन ला रहे उहदे तो बाद जिहड़ा जल्दी इन्होंने सारा कुछ ठीक ठाक कर देना ये एक बहुत चंगी गल आ। जिहड़ी उत्थे जिन्नी 332 मिलियन अमरीका की पापूलेशन आ सॉरी सारी जिहड़ी हुण सेंसस आई है जे 332 मिलियन दे विच्चों 267 मिलियन नूं वैक्सीन लग गई तो उहदे तो बाद ये अमरीका नूं खोल सकदे आ ते टारगेट उहनां दा 4 जुलाई तक हैगा हुण जिहड़ा भी उत्थे एलीजिबल हैगा आ उहनूं वैक्सीन लग रही आ। अज इत्थे कैनेडा दे विच सानूं लगदा कि वैक्सीन मिल नहीं रही लाइना लग रही हज़ार हज़ार बंदा खड़ा 200-200 वैक्सीन के पिछे अमरीका दे विच बिल्कुल तेजी दे नाल लग रही है और इस वेले 29.5% लोगों वख-वख जिहड़ियां एजेंसीज़ वख-वख रिपोर्ट्स दे रही हैं। सो लगभग 30% के करीब लोगों
फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं, उन्होंने जी वैक्सीन लग चुकी है, तो 43% के करीब लोगों को, कुछ 50% दस रहा पर जो ऑफिशियल डाटा है वह 43% दस रहा, 43% लोगों को घट्टो घट्ट एक डोज़ मिल चुकी है, तो जे एक डोज़ इन्हों मिल चुकी है तो 43 से 70% तक जाते हैं। अजे टाइम हैगा जुलाई 4th नूं इन्हां गर्मियों के विच असी देखांगे कि अमरीका ओपन हो जाना, तो जे जो कुछ उत्थे वापर रहा उही कुछ फिर कैनेडा दे विच वी वापरूगा। हो सकदा थोड़ा लेट होवे क्योंकि कैनेडा दे कोल अपना वैक्सीन बनाउण दा प्लांट जां यूनिट नहीं है, इन्हां नूं दूजियां ते डिपेंड करना पै रहा। कुछ वैक्सीन आ रही पर जिन्नी तेजी दे नाल वैक्सीन आ रही है उहदे नाल कहा जा सकदा कि आने वाले दिनों दे विच जल्दी इत्थे भी सारा कुछ ठीक ठाक हो जाना। पर एक सवाल अज इहदे नाल लगदा जी, जदों असीं न्यूयॉर्क दे खोलण दी गलबात कर रहे हैं, इत्थे पैदा हुंदा कुछ अखबारां ने इहनूं बहुत ध्यान दे नाल देखिया और इहदे ते अपनी ओपीनियन दित्ती है। कल राती अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपनी पहली स्पीच दित्ती है 100 दिन बाद। उस स्पीच दे विच जिहड़े 200 जणा सीगा उत्थे जिहड़ा अटेंडी सी, 1600 दी उहदी कपैसिटी है हाल दी, और उहदे विच हाउस चैंबर दे विच सारे एक दूजे तो दूर दूर सी, सारिया ने मास्क पाए सी, मास्क भी कईयां ने दो दो पाए सी, एक दूजे तो दूर रहने लई कहा गया सी, नेड़े जाण लई तो बचण लई कहा गया सी, कुछ लोगों ने हाथ भी मिलाए, नहीं तो जिहड़ा गुट जां कूणी जी मिलाउंदे आ उस तरह भी बहुत सारे टीवी दे विच जिहड़े उहनां दीआं रिपोर्ट्स सीगीआं उहदे विच देखिया गया। पर इत्थे जिहड़े माहर आ उह इक गल कह रहे आ कि राष्ट्रपति जो बाइडन कोल इक मौका सी इस वेले जिथे वह दस सकते सी कि जिहड़े लोग वैक्सीन तो हैजीटेट कर रहे आ उहनां नूं इक मैसेज दिता जा सकता सी। उन्होंने हालांकि इकोनमी ते गलबात की, दस्या कि असी बहुत तेजी दे नाल जिहड़ा पहला क्वार्टर सी अमेरिका दा इहदे विच बूम आ रहा आने वाले दिनों दे विच, लोगों ने हुण बाहर निकल के स्पेंड करना शुरू कर दिता, भी ये इकोनमी बहुत तेजी नाल उच्चे जा रही है। 2021 दे पहले जिहड़े 3 महीने सी इन्होंने यह दस दिता। वैक्सीन बारे उन्होंने कहा कि असी बहुत वड्डी जंग लड़ रहे हैं और जंग जित ली है, वैक्सीन साड़ी अमेरिका दे इतिहास में बहुत वड्डी यह अज की इनवेंशन सी जिहड़ी वैक्सीन दे नाल इन्नी छेती बना के इन्होंने लड़ाई की है। पर माहर जिहड़े राजनीतिक नुकता निगाह तो देखने वाले लोग ने, वो कहिंदे इह गल तां तुसीं शब्द कह रहे हैं पर तुहाडे विहार दे विचों डर नज़र आ रहा कि तुसीं सारे जिन्ने उत्थे बंदे हो अंदर वाइस प्रैजीडेंट प्रैजीडेंट तुसीं वैक्सीन तुहानूं लग चुकी है ते तुहानूं उत्थे फिर डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए सी। वैसे तुसीं अमेरिका दे विच कह दिता कि जिन्हां ने मास्क पाए आ मास्क ना जिन्हां नूं वैक्सीन हो गया वो मास्क ना पाओ, इन्हां इन्हां थां दे उत्ते तुसीं बच सकदे आ, भी इह इक मैसेज हो सकता सी लोगों नूं जे तुसीं उत्थे इस चीज़ का ख्याल रखते। पर लोगों की अपनी अपनी राय है, हो सकता वह मैसेज देना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह तुहानूं बचा रखना चाहिए जिन्ना खतरनाक वायरस आ, जिन्ना चिर वैक्सीन सारे नूं नहीं लग सकती। पर एक आस जरूर अज सानूं लगती है कि अज न्यूयॉर्क के मेयर ये कह सकते हैं कि मैं 1 जुलाई में शहर खोल देना, तुसीं फिक्र ना करो, एक बार न्यूयॉर्क अपनी उही शानदार समर फिर देखूगा, तो असीं भी आसवंद आ कि जो कुछ अमरीका दे विच हो रहा कैनेडा दे विच भारत दे विच जां बाकी थावां दे उत्ते भी यही कुछ होवे ते जिहड़ियां हालात आ ओह पहलां वर्गे होण। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।